नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज 24x7। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांदीपोरा जिले के हाजिन प्रखंड में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बांदीपोरा के उपायुक्त डॉक्टर उवैस अहमद ने आज जनता की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त विकास, संयुक्त निदेशक नियोजन, एसडीएम सुम्बल, अध्यक्ष एमसी हाजिन, बीडीसी, पीआरआई और आम जनता ने भाग लिया। पीआरआई और क्षेत्र की आम जनता ने सार्वजनिक महत्व के अन्य मुद्दों के अलावा बिजली स्तर को, मैग्नीमिजेशन, जलापूर्ति और सिंचाई से संबंधित कई मांगों और समस्याओं का अनुमान लगाया। हाजिन में सार्वजनिक उद्यान के विकास की मांग पुष्प कृषि विभाग द्वारा भी जनता द्वारा उठाई गई। मांगों और मुद्दों को सुनने के बाद डीसी ने कई शिकायतों का निवारण के लिए मौके पर निर्देश दिए और अन्य वास्तविक शिकायतों के समय पर निवारण का आश्वासन दिया। डॉक्टर उवैस ने कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी की सराहना की और जनता से आगे आकर क्षेत्र के विकास के लिए एक टीम के रूप में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज का जो हमारा ब्लॉक दिवस है, ये हाजिन में हमने इसको स्टेशन किया था, तो ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज को कैटर करने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन थी और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे सारे थे। और जो हमारे स्पीकर्स रहे वो पीआरआईस को रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूनसिपल कमिटीज़, काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और तहसील कोऑर्डिनेशन कमेटी थे, औकाफ कमेटी थे। उन्होंने यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में रखा। एक अपडेट भी यहाँ पे ले लिया गया कि जो पहले काम के वादे किए गए थे, जो शुरुआत किए गए थे, वो कहाँ पहुँचे हैं। तो ये बताते हुए यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो रोड्स हैं, जितनी भी रोड्स का यहाँ पे इशू उठे थे, वो भले शागुन रोड है, वो बाकी गुंजांगी रोड है, वो टेंडर होके अलॉट हो चुके हैं, जो मेजर रोड है और उस पर काम अभी शुरू होने वाला है। आपका साधुनाला रोड आपके सामने क्लियर है, वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होके आया है। बाकी भी जो हमारे इनर लिंक्स है, हाजिर इनर लिंक्स, वो भी नबार्ड में कवर्ड हैं। गुंजांगी इनर लिंक्स भी नबार्ड में कवर्ड हैं। तो रोड के हिसाब से इस साल में हमें उम्मीद है कि हाजिर में कोई इशू कहीं पर नहीं रहेगा। और उसके अलावा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात हुई और खासतौर पर इरीगेशन को लेकर बात हुई है। जो हमारे एक्जियन एमआईडी हैं और इरीगेशन है, उनके साथ सॉर्ट आउट करने के लिए बताया गया है और कल तक ये रिजल्ट भी आ जाएगा कि जहाँ जहाँ पे वाटर लेवल कम हुआ है झेलम का, वो किस तरह से उसको मैनेज करके ताकि इरीगेशन कैनाल्स में पानी जाए। और जो इस वक्त हम ओवरऑल सूखा देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी कम है, तो वो चीज़ जो है वो ठीक हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कल तक वो भी हो जाएगा। उसके अलावा भी जो छोटे इश्यूज थे, जो बाकी इश्यूज यहाँ पर उठाए गए, वो क्लियर किए गए हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे यही जोर है कि ट्रांसपेरेंसी की तरह से, अकाउंटेबिलिटी की तरफ से काम करें, जितने भी ऑफिसर्स हैं उसी तरह से काम करें और अगर कोई भी इशू हो तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस सेल है उसमें कॉन्टैक्ट करें। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज 24x7।